हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने घर के किचन में आप सबका स्वागत है। देखिए आज मैंने बनाया है चिकन चिल्ली। देखिए ये खाने में जितना ही स्वादिष्ट होती है, बनने में भी उतना ही अच्छा लगती है। आपको अगर मेरा चिकन चिल्ली पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे घर में भी ज़रूर बना कर एक बार ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, और मेरा पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए इसके लिए हम लोग क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है हम लोग देख लेते हैं। इस चिकन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। पहले मैरिनेट कर लेंगे ताकि ये हम लोग का अच्छा स्वाद टेस्टी लगे और स्वादिष्ट लगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है, हम लोग यहाँ पर दही लिया है मैंने, मेरा छोटा चम्मच है इसलिए मैं 4 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। आपका अगर बड़ा स्पून होगा तो 2 टेबलस्पून ऐड करिएगा कार्ड। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने, इसे भी ऐड कर लेंगे हम लोग। 1 चम्मच हम लोग जीरा पाउडर लिया है, इसे भी ऐड कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसको भी हम लोग 1 चम्मच जितना हम लोग ऐड कर लेंगे। जिसे हम लोग ब्लैक पेपर बोलते हैं उसे भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग कस्तूरी मेथी पाउडर, कस्तूरी मेथी पत्ता ऐड करेंगे, इससे हम लोग का चिकन चिल्ली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। थोड़ा सा हम लोग स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। छोटा चम्मच हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून हम लोग कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून जितना हम लोग मैदा ऐड कर लेंगे यहाँ पे। सबको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ चिकन मैंने 250 लिया है, मैं बोलना भूल गई थी। इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने मैरिनेट कर लिया है। अभी हम लोग इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेंगे। तब हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं 20 मिनट के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रखा था। देखिए 20 मिनट हो गई है, अभी मैं निकाल चुकी हूँ। देखिए कितनी अच्छे से बन गई है ये चिकन। मैरिनेट होने के बाद इस तरह से बन गई है। अभी हम लोग इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कढ़ाई लिया है, नॉनस्टिक कढ़ाई लिया। अब उसमें हम लोग सारे चिकन को डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चिकन को हम लोग गोल्डन फ्राई होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। फ्राई करके निकाल लिए हैं इस तरह से। देखिए तेल हम लोग को फ्राई करके चिकन को निकाल दिए हैं। अब हम लोग इसमें 1 छोटा चम्मच हम लोग को अदरक लहसुन लेंगे, 1 इंच हम लोग अदरक लेंगे, इसको भी डाल लेंगे। 1 लाल मिर्च लेंगे, उसे भी फ्राई कर लेंगे। और कुछ कैप्सिकम भी ऐड कर लेंगे हम लोग, अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे।
देखिए सिल्वर में चार चार तरह फ्राई हो चुका है और हमें इसमें एक बड़ा प्याज मैंने काट के रखा था क्यूब्स में, उसको भी ऐड कर लेंगे। उसे भी हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऑनियन भी फ्राई हो चुकी है, अब हम लोग इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। सोया सॉस 2 चम्मच हम लोग टमाटर केचप ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच हम लोग को सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पेपर लेंगे थोड़ा सा हम लोग, अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे इसे भी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन में अच्छे तरह से टमाटो केचप के साथ में अच्छे तरह से फ्राई हो जाए और हम चिकन को भी ऐड कर लेंगे अच्छे तरह से ग्रेवी में। अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन चिल्ली बन के तैयार है। आप भी इसी तरह लॉकडाउन में इस तरह चिकन चिल्ली बनाकर इसका मज़ा उठाइए और मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।